नमस्कार, दिनभर की बड़ी खबरों के साथ मैं हूं स्वाति ढल। आइए नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। गुजरात रैली में पीएम मोदी ने राहुल की ताजपोशी पर उठाए सवाल, कहा कांग्रेस में वंशवाद की संस्कृति। विरोध करने वाले कांग्रेसी युवा नेता शहजाद को पीएम ने दी शाबाशी। सुशील मोदी के बेटे की शादी में पहुंचे लालू यादव, तेज प्रताप बोले मेरे लिए भी बहू खोजिए अंकल। आम आदमी पार्टी में फिर उठे बगावती सुर, कुमार विश्वास ने कहा बनाएंगे आम आदमी पार्टी वर्जन 2। राज्यसभा के लिए कार्यकर्ताओं की राय पर फैसला। जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले में पाकिस्तान की ओर से फायरिंग, भारतीय सेना ने दिया मुंह तोड़ जवाब, किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं। और भारत श्रीलंका के बीच टेस्ट मैच के दूसरे दिन का खेल खत्म, श्रीलंका का स्कोर 3 विकेट के नुकसान पर 131 रन, भारत अभी भी 405 रनों से आगे। तो ये थे अब तक की सुर्खियां, रुक करेंगे आज की सबसे बड़ी खबर के साथ। गुजरात के सुरेंद्रनगर में रैली को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राहुल गांधी की ताजपोशी को लेकर तंज कसा है। उन्होंने वंशवाद पर सवाल उठाने के लिए महाराष्ट्र कांग्रेस के नेता शहजाद पूनावाला की तारीफ भी की। रात के सुरेंद्रनगर में रैली को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि शहजाद ने शहजादे को लेकर सवाल उठाए तो उनकी आवाज दबाने की कोशिश की गई, यहां तक कि शहजाद को सोशल मीडिया ग्रुप से ही हटा दिया गया। पीएम ने कहा कि ये किस तरह का टॉलरेंस है। दरअसल रॉबर्ट वाड्रा के रिश्तेदार शहजाद पूनावाला ने हाल ही में कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी के अध्यक्ष पद चुनाव को लेकर सवाल उठाए थे। शहजाद पूनावाला ने कहा था कि ये इलेक्शन नहीं सिलेक्शन है। शहजाद पूनावाला के इसी बयान को लेकर पीएम मोदी ने कांग्रेस पर तंज कसा। पीएम मोदी ने कहा कि शहजाद तुमने बहुत बहादुरी दिखाई है, लेकिन अफसोस है कि कांग्रेस में हमेशा ऐसा ही हुआ है। मोदी ने कहा कि शहजाद पूनावाला ने जो सवाल उठाए हैं वही कांग्रेस की संस्कृति है। पीएम मोदी के इस बयान पर शहजाद पूनावाला ने तुरंत प्रतिक्रिया दी। शहजाद पूनावाला ने ट्वीट कर प्रधानमंत्री मोदी का शुक्रिया अदा किया। शहजाद पूनावाला ने लिखा कि वंशवाद के खिलाफ अपनी लड़ाई जारी रखूंगा, खामोश कराने वाली कोशिशों से मैं नहीं झुकूंगा। आपको बता दें कि राहुल गांधी जल्द ही कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए नामांकन दाखिल करने वाले हैं, लेकिन उससे पहले ही पार्टी में उठ रही बगावत उनके लिए परेशानी। तो वाकई गुजरात का रण काफी दिलचस्प होता जा रहा है, जहां पीएम मोदी राहुल गांधी पर सवाल उठा रहे हैं तो वहीं राहुल भी पीएम पर ट्वीट के जरिए तीखे वार करने का कोई मौका नहीं छोड़ रहे। राहुल ने आज महिलाओं की सुरक्षा, महिलाओं की शिक्षा और महिलाओं की स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर आंकड़ों के जरिए पीएम मोदी को विकास का आईना दिखाया। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने ट्वीट में महिला सुरक्षा के मुद्दे पर पीएम मोदी को जमकर घेरा। राहुल ने ट्वीट में लिखा कि ना सुरक्षा, ना शिक्षा, ना पोषण महिलाओं को मिला तो सिर्फ शोषण। आंगनवाड़ी वर्कर और आशा सबको दी बस निराशा। गुजरात की बहनों से किया सिर्फ वादा, पूरा करने का कभी नहीं था इरादा। इस सवाल के साथ राहुल ने हैशटैग गुजरात मांगे जवाब भी लिखा है। इस ट्वीट के साथ साथ राहुल गांधी ने एक फोटो भी शेयर की, जिसके जरिए राहुल ने महिलाओं पर हो रहे अत्याचारों पर आंकड़े पेश किए। फोटो में दावा किया गया है कि गुजरात में महिलाओं के खिलाफ अपराध के मामलों में सिर्फ 3% आरोपियों पर ही केस किया जाता है, जबकि बाकी महिलाएं इंसाफ के लिए इधर से उधर चक्कर ही लगाती जाती हैं। साथ ही पूछा गया है कि पीएम मोदी विकास की बात करते हैं, लेकिन सूरत और अहमदाबाद जैसे शहर महिलाओं के खिलाफ अपराध की लिस्ट में टॉप पर क्यों आते हैं। महिला समस्या के साथ साथ राहुल गांधी ने शिक्षा व्यवस्था पर भी वार किया। राहुल ने ट्वीट के जरिए पूछा कि लड़कियों की शिक्षा के मामले में गुजरात टॉप 20 से भी बाहर क्यों है। महिला साक्षरता में 2001 से 2011 के बीच 13% की गिरावट क्यों आई। राहुल ने अपने ट्वीट में एक तीर से 3 निशाने लगाए हैं, जहां शुरुआत में उन्होंने महिलाओं की शिक्षा का मुद्दा उठाया तो वहीं महिला स्वास्थ्य पर भी राहुल ने पीएम को घेरने में कोई कसर नहीं छोड़ी। राहुल ने पीएम से पूछा कि नवजात को जन्म देने वाली 67% महिलाओं को सरकारी एम्बुलेंस की सुविधा क्यों नहीं दी जाती। साथ ही राहुल गांधी ने पूछा कि राज्य की 55% महिलाएं एनीमिया की शिकार क्यों हैं। जैसे जैसे चुनाव की तारीख नजदीक आती जा रही है, वैसे वैसे प्रचार अपने चरम पर पहुंचता जा रहा है। आज पाटीदार नेता हार्दिक पटेल सूरत में रोड शो करने उतरे, जहां उन्होंने आरक्षण को लेकर राज्य सरकार को अपने निशाने पर लिया। पाटीदारों को पटाने के लिए हार्दिक पटेल आज सूरत की सड़कों पर निकले। इस दौरान हार्दिक पटेल ने कांग्रेस के लिए पाटीदारों का समर्थन मांगा। हार्दिक ने कहा कि कांग्रेस सत्ता में आते ही पाटीदारों के आरक्षण की मांग को पूरा करेगी, जबकि रूपाणी सरकार ने पाटीदारों की आवाज को दबाने का काम किया, लेकिन हमारा ये विरोध अब बीजेपी के लिए गले की फांस बन गया है, इसलिए बीजेपी भी पाटीदारों पर डोरे डालने की कोशिश कर रही है।
हार्दिक पटेल ने रूपाणी सरकार से कहा कि आप आज हमें हमारा अधिकार दे दो, हम कल ही घर पर बैठ जाएंगे, लेकिन हमें जब तक हमारा हक नहीं मिलता तब तक हमारी आवाज दबने वाली नहीं है। आपको बता दें कि पाटीदारों के लिए आरक्षण की आग भड़काने वाले युवा नेता हार्दिक ने कांग्रेस को समर्थन का ऐलान किया है, जिसके बाद से ही हार्दिक पटेल अपने साथ साथ कांग्रेस के लिए वोट मांग रहे हैं, साथ ही बीजेपी पर पूरी तरह से हमलावर हैं। गुजरात चुनाव को लेकर सियासी पारा पहले से ही गर्म है, लेकिन बीती रात राजकोट में ये पारा और उबल गया, जहां पोस्टर विवाद को लेकर कांग्रेस और बीजेपी के कार्यकर्ता आमने सामने आ गए। आरोप है कि इस दौरान बीजेपी कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस उम्मीदवार के भाई पर हमला कर दिया, जिससे नाराज कांग्रेस समर्थकों ने सीएम विजय रूपाणी के घर का घेराव किया और हालातों पर काबू पाने के लिए पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। जा रहा है कि राजकोट पश्चिम सीट से कांग्रेस के उम्मीदवार इंद्रनील राजगुरु के समर्थक प्रचार के लिए कन्हैया चौक पर उनके पोस्टर लगा रहे थे, तभी बीजेपी कार्यकर्ता वहां आ धमके और उन्होंने कांग्रेस उम्मीदवार के पोस्टर फाड़कर अपनी पार्टी के पोस्टर लगा दिए। इस पर दोनों पार्टी के कार्यकर्ताओं के बीच विवाद चल रहा था। आरोप है कि इस खींचतान में कांग्रेस उम्मीदवार इंद्रनील राजगुरु के भाई के साथ बीजेपी समर्थकों ने मारपीट की। भाई पर हमले के बाद कांग्रेस उम्मीदवार बौखला गए और गुस्सा जाहिर करने के लिए वे अपने समर्थकों के साथ मुख्यमंत्री के घर भी पहुंच गए। हालातों को बेहद तनावपूर्ण होता देख पुलिस ने लाठीचार्ज किया। बाद में पुलिस ने इंद्रनील समेत कई कार्यकर्ताओं को भी हिरासत में ले लिया। हम बढ़ेंगे अगली खबर पर, जिसमें आपको बताएंगे कि सिर्फ पीएम मोदी का बचपन ही गरीबी से नहीं गुजरा, बल्कि पूर्व पीएम मनमोहन सिंह ने भी कई कठिनाइयों को पार कर कामयाबी हासिल की है। प्रधानमंत्री मोदी जनता की परेशानी समझने की बजाय हर रैली हर भाषण में अपनी मुसीबतें ही गिनवाते हैं, चाहे गरीबी से गुजरा बचपन हो या फिर पीएम बनने के लिए झेली गई कई कठिनाइयां। पीएम मोदी की इसी दास्तां पर पूर्व पीएम मनमोहन सिंह ने निशाना साधा है। मनमोहन सिंह ने कहा कि वो नहीं चाहते कि लोग उनकी गरीबी की पृष्ठभूमि पर तरस खाएं। सूरत में एक कार्यक्रम के दौरान पूर्व पीएम मनमोहन सिंह ने कहा कि मैं नहीं चाहता कि मेरी पृष्ठभूमि के बारे में जानकर देश मुझ पर तरस खाए। मैं नहीं समझता कि इस मामले में प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ मैं किसी प्रतिस्पर्धा में हूँ। दरअसल पूर्व पीएम मनमोहन सिंह से पूछा गया था कि वो अपनी गरीबी की पृष्ठभूमि के बारे में बात क्यों नहीं करते। जिस तरह मोदी हमेशा बचपन में अपने परिवार की मदद के लिए गुजरात के रेलवे स्टेशन पर चाय बेचने की बात करते हैं, इसके जवाब में मनमोहन सिंह ने कहा कि मेरी पीएम मोदी से कोई प्रतिस्पर्धा नहीं है। देश की समस्या के बारे में अगर मुझसे सवाल किए जाएंगे तो मैं उसके बखूबी जवाब दे सकता हूँ, लेकिन मैं नहीं चाहता कि मेरी पृष्ठभूमि के बारे में जानकर लोग मुझ पर तरस खाएं। आपको बता दें कि पीएम मोदी हर बात में अपनी गरीबी का जिक्र करते हैं, लेकिन वो अकेले ऐसे पीएम नहीं हैं जिनका जीवन गरीबी से बीता हो। अगर पूर्व पीएम मनमोहन सिंह के बारे में बात की जाए तो उन्हें शानो शौकत विरासत में नहीं मिली थी। मनमोहन सिंह का जन्म अविभाजित पंजाब के कहा गाँव में 1932 में हुआ था। एक गरीब परिवार में जन्मे मनमोहन सिंह ने अपने जीवन के शुरुआती 12 साल गांव में ही गुजारे, जहां ना बिजली थी, ना स्कूल था, ना अस्पताल था। मनमोहन सिंह ने कामयाबी के शिखर तक पहुंचने के लिए कई मुश्किल राहों को पार किया है। मनमोहन सिंह के मीडिया सलाहकार के रूप में 2004 से 2008 तक काम कर चुके संजय बारू ने बताया कि मनमोहन सिंह स्कूल जाने के लिए रोज मीलों चलते थे और रात में केरोसिन तेल की बत्ती की मंद रोशनी में पढ़ाई किया करते थे। और बुलेटिन के आखिर में बात खेल जगत की। फिरोज शाह कोटला मैदान पर खेले जा रहे तीसरे टेस्ट मैच के दूसरे दिन का खेल खत्म हो चुका है। भारत की पहली पारी के विशाल स्कोर के सामने श्रीलंकाई टीम अच्छी शुरुआत नहीं कर पाई। श्रीलंका पहली पारी में आज 3 विकेट के नुकसान पर सिर्फ 131 रन ही बना पाई। पहली पारी खेलने उतरी श्रीलंकाई टीम को पहले ही गेंद पर मोहम्मद शमी ने झटका दिया। उन्होंने करुणारत्ने को रिद्धिमान साहा के हाथों कैच करा दिया। इसके कुछ देर बाद ही श्रीलंका का दूसरा विकेट भी गिर गया, जब ईशांत शर्मा ने धनंजय डिसिल्वा को LBW कर दिया। तीसरा विकेट दिलरुवान परेरा का रहा। परेरा के 42 रन पूरे होते ही रविंद्र जडेजा ने उन्हें LBW कर दिया। इससे पहले भारत ने अपनी पहली पारी 7 विकेट पर 536 रनों पर घोषित कर दी। हालांकि मैच में कप्तान विराट कोहली ने धमाकेदार पारी खेली। कोहली ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए दोहरा शतक जड़ा। विराट ने 287 गेंदों पर 243 रन बनाए। कप्तान कोहली ने लगातार दूसरे मैच में डबल सेंचुरी लगाई। इससे पहले नागपुर में हुए सीरीज के दूसरे टेस्ट में उन्होंने 213 रन बनाए थे। ये विराट के टेस्ट करियर का छठा दोहरा शतक है। कोहली ने ये कारनामा सिर्फ 1.5 साल के दौरान किया है। तो खबरों में फिलहाल के लिए इतना ही। ताज़ा अपडेट के लिए लॉग इन करें DBLive.TV। नमस्कार।